नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश NHM द्वारा 3 अगस्त 2022 को स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इसमें स्टाफ नर्स रीजनिंग और करंट अफेयर्स GK के सवाल इसमें मैंने यहाँ पे कवर किए। और दोस्तों देख सकते हैं, ये पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 अलग अलग पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। यदि आप सभी लोग 3 अगस्त 2022 MP स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम में आप लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये सारी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉच कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की आपको लिंक मिल जाएगी। एक एक करके आप लोग सभी पार्ट्स वॉच कर लें, काफ़ी हेल्प आपको एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल यहाँ पर जो मैंने इंक्लूड किया गया, ये फुल फॉर्म है, पूछ लिया जा रहा है। TAT स्टैंड फॉर, तो TAT का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो ये आप लोग जो है फुल फॉर्म को याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट। तो दोस्तों जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स रहते हैं, सब सेंटर्स रहते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, ये हेल्थ केयर को प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों किस तरीके की ये केयर रहती है, तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो दोस्तों ये सब हेल्थ सेंटर्स और यहाँ पे सब सेंटर्स में प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराई जाती है, इस चीज़ का आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, पूछ लिया गया है, इज़ एन एग्जांपल ऑफ लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। तो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का उदाहरण यहाँ पे क्या रहेगा, तो दोस्तों देखिए BCG है, BCG इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, आप सभी लोग उसको याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, इसी से संबंधित पूछ लिया गया है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG इस। तो दोस्तों BCG जो दिया जाता है कैसे दिया जाता है, तो दोस्तों देखिए इंट्रा डर्मल ये दिया जाता है, तो इस टर्म को भी आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों एक और अगला सवाल है, पूछ लिया गया है, इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन। तो यहाँ पे दोस्तों कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, भाग नहीं है किस चीज़ का, यूनिवर्सल प्रिकॉशन का। तो आइसोलेशन जो है इसका यहाँ पे भाग नहीं है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है कंपोनेंट में, और इस चीज़ का आप लोग यहाँ पे याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला सवाल है, द कॉमन इम्प्लांटेशन साइट इन ट्यूबल प्रेगनेंसी इज एट। तो दोस्तों ट्यूबल प्रेगनेंसी में जो कॉमन यहाँ पे जो इम्प्लांट करने की जो साइट है वो क्या रहती है, तो एम्प्यूला दोस्तों इसको यहाँ पे बोला जाता है, और इस टर्म यहाँ पे आप लोग इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, आप सभी लोगों से पूछ लिया गया, लिथियम टॉक्सिसिटी एंड कैन अकर इफ द ब्लड लिथियम लेवल एक्सीड। तो लिथियम की जो टॉक्सिसनेस है और लिथियम की जो टॉक्सिसिटी है, ये कब हो जाती है, जब ब्लड में लिथियम का जो लेवल है कितना बढ़ जाता है, तो 1.5 mEq/L। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और इससे ज़्यादा यदि एक्सीड यहाँ पे हो जाता है तो लिथियम की टॉक्सिकनेस यहाँ पे आ जाती है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है, सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज। आप सभी लोगों से पूछ लिया गया, श्वास का रुकना किस चीज़ को यहाँ पे बोला जाता है। तो दोस्तों देखिए एपनिया इसको यहाँ पे बोलते हैं, ये टर्म आप लोग यहाँ पे याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, एक्सेसिव एंड अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड। तो दोस्तों इम्यून सिस्टम द्वारा जो एक्सेसिव और अनडिज़ायरेबल जो रिएक्शंस होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखें, इस टर्म को आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला सवाल है, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस वॉज एडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है, जो कि नर्सों के लिए अडॉप्ट यहाँ पे जो किए गए, ये किसके द्वारा पब्लिश किए गए, तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सिंग। तो इंटरनेशनल काउंसिल नर्सिंग द्वारा ये पब्लिश यहाँ पे किए गए। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया, द टर्म जेरोस्टोमिया मीन्स। दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया गया, जो शब्द है जेरोस्टोमिया इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों
ड्राई माउथ, तो मीन्स ड्राइनेस जब माउथ में हो जाती है तो इस चीज़ को जेरोस्टोमिया यहाँ पे बोला जाता है, तो इस चीज़ का भी आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, पूछ लिया गया है द नंबर इन कॉपर टी डिवाइजेस डिनोट द, तो दोस्तों जो कॉपर टी है तो कॉपर टी में जो डिवाइस रहता है कॉपर टी का, तो दोस्तों इसमें नंबर डिनोट किए जाते हैं, तो नंबर जो डिनोट किए जाते हैं ये क्या है, तो देखिए ये सरफेस एरिया है कॉपर का और ये स्क्वायर डॉट मिलीमीटर में यहाँ पे ये रहता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, पूछ लिया गया द मेजर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो इलेक्ट्रोलाइट आपको बताना है मेजर यहाँ पे क्या रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में, तो दोस्तों कौन कौन से रहते हैं देखिए, सोडियम एंड क्लोराइड, तो ये दो इलेक्ट्रोलाइट के नाम आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, इसमें पूछ लिया गया द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डेट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल इस, तो दोस्तों पूछ लिया गया एक प्रकार का संचार जो किसी व्यक्ति के भीतर होता है, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं इंट्रा पर्सनल, यहाँ पे इस कम्युनिकेशन को बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल है MMPI इज यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू एक्सेस द, तो MMPI जो साइकोलॉजिस्ट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ये किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो पर्सनैलिटी इसका यहाँ पे आंसर रहेगा, पर्सनैलिटी को यहाँ पे ये डिटरमाइन करने के लिए एक्सेस करने के लिए MMPI यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे होता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है साइन इज सीन इन अर्ली प्रेगनेंसी करेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, तो सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस की सॉफ्टनिंग जो यहाँ पे जो साइन है और ये शुरुआती प्रेगनेंसी में ये दर्शाता है, तो ये किस चीज़ का साइन यहाँ पे रहता है, तो देखिए हैगर साइन दोस्तों इसको यहाँ पे बोला जाता है और हैगर साइन जो है सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस से ये संबंधित यहाँ पे रहेगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं इसको एक और अगले सवाल की ओर, हाउ डज EDTA एक्ट ऑन द ब्लड, तो EDTA जो है किस तरीके से ब्लड पे एक्ट होता है, तो देखिए एज एन एंटी कोएगुलेंट, तो एक तरीके से एंटी कोएगुलेंट की तरह ये वर्क करता है EDTA, और आप लोग इसका याद रखें। इसके बाद मीनिंगलेस वर्ड इन्वेंटेड बाय द पेशेंट इस टर्म एस, तो कोई पेशेंट है और मीनिंगलेस वर्ड्स यूज़ कर रहा है, खोज कर रहा है और मीनिंगलेस वर्ड्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है बार बार, तो इस चीज़ को दोस्तों देखिए न्यू लॉगिज्म में इसको यहाँ पे बोला जाता है, आप लोग इस टर्म को भी याद ज़रूर रखें। अगला सवाल है व्हेन वाज जननी सुरक्षा योजना लॉन्च, तो दोस्तों जननी सुरक्षा जो योजना है JSY, तो ये 2005 में लॉन्च की गई थी, तो ये सभी को इसका आंसर मालूम भी होगा और जननी सुरक्षा योजना से एक सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन एट अ गिवन टाइम, तो दोस्तों देखिए पूछ लिया गया एक तरीके का मैरिज, एक तरीके का विवाह जिसमें महिला जो है एक से ज़्यादा मैन मीन्स एक से ज़्यादा इंसान या फिर आदमी के साथ यहाँ पर शादी कर सकती है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको क्या बोला जाता है, तो पॉलीएंड्री इसको यहाँ पे इस टर्म को बोला जाता है, इस टर्म को आप लोग याद जरूर रखें। इसके बाद अगला सवाल है प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग द डेड बॉडी एंड फ्रॉम डिकेइंग, तो मीन्स जो डेड बॉडी है शव, तो शव को सैनिटाइज रखे रहना और प्रिजर्व करे रहना, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो एम्ब्लेमिंग इसको यहाँ पे बोलते हैं, तो एम्बेलमिंग इस टर्म को आप लोगों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है। इसके बाद एक और अगला सवाल पूछा लिया गया द कैलोरी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट इस, तो 1 ग्राम के फैट में कितनी कैलोरी वैल्यू होती है, तो दोस्तों 9 होती है, तो ये आप लोग जो है इसको याद रखें, ये कॉमन सवाल है। इसके बाद अगला सवाल है पूछ लिया गया है आप सभी लोगों से यहाँ पे द वर्ड मिडवाइफ डिफाइंस, तो मिडवाइफ जो वर्ड है ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, ट्रेंड प्रोफेशनल हु असिस्ट वुमेन विद चाइल्ड बर्थ, तो दोस्तों ट्रेंड एक तरीके का प्रशिक्षित यहाँ पे कर्मी या फिर हम लोग कहें प्रशिक्षित कर्मचारी, और ये किस चीज़ के लिए होते हैं, चाइल्ड बर्थ को यहाँ पे असिस्ट करने के लिए, चाइल्ड के बर्थ को यहाँ पे देखभाल करने के लिए और वुमेन की हेल्प यहाँ पे करने के लिए, तो जो है मिडवाइफ का ये डेफिनेशन यहाँ पे रहती है। इसके बाद अगला सवाल है द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद लंग्स कैंसर विच सिम्टम्स डज द नर्स एंटिसिपेट फाइंडिंग, तो दोस्तों कोई नर्स है तो नर्स ने एक लंग्स कैंसर को यहाँ पे एक्सेस किया है मीन्स इसको डायग्नोस किया है,
तो यहाँ पे दोस्तों जो नर्स है किस तरीके के सिम्टम्स यहाँ पे पाएगी, तो दोस्तों देखिए डिस्पेनिया इसको यहाँ पे बोला जाता है और इस टर्म को आप लोग जो है याद रखें। तो दोस्तों ये तो थे कुछ सवाल जो नर्सिंग के मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। नर्सिंग के 80 सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और बाकी के जो 20 सवाल हैं आपके रीजनिंग से और आपका जीके वाले पोर्शन से रहने वाले हैं। तो नर्सिंग के सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए, अब हम लोग बढ़ जाते हैं जीके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सवालों की ओर। तो दोस्तों देखिए जीके के कुछ सवाल इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, आप सभी को बताना चाहता हूँ जीके में बहुत ही आसान से सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए स्पोर्ट्स के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ जो रिवर्स हैं मीन्स जो नदियाँ हैं नदियों पर भी एक सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया जाता है। ख़ासतौर पर यह देखा गया है कि जो प्राइजेज हैं जो यहाँ पर प्राइज रहते हैं तो प्राइजेस पर भी ये सवाल यहाँ पर पूछ लिया जाता है। कभी कभार यहाँ पे अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्तियाँ जो अभी हाल ही में हुई हैं तो अपॉइंटमेंट से भी सवाल आप लोगों के यहाँ पे कवर किए जाते हैं। और दोस्तों जो फेस्टिवल्स हैं तो फेस्टिवल्स को भी लेकर सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे कि देखिए जो अलग अलग स्टेट के जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि गरबा है तो गरबा गुजरात में होता है, तो इस तरीके के आप लोगों से फेस्टिवल से संबंधित आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभार देख लिया जाता है कि टेंपल से भी संबंधित जो मंदिर रहते हैं, तो ज़्यादातर जो सवाल यहाँ पे जो पूछा गया जैसे कि देखिए खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हैं, तो दोस्तों ये देखिए कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में कहाँ है, छतरपुर यहाँ पे जो ज़िला है तो वहाँ पे है। तो इस तरीके से टेंपल से संबंधित भी आप लोगों को सवाल यहाँ पे कवर किए जाते हैं। और कभी कभार यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि देखिए योगा डे हो गया, एड्स डे हो गया, और यहाँ पे एनवायरनमेंट डे हो गया, और जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डे हैं आप लोग उनको यहाँ पे तैयार करके ज़रूर ले जाएं। और साथ ही साथ जैसे कि देखिए आर्मी डे, नेवी डे और इस तरीके के सवाल भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं तरीके के टॉपिक्स के आप लोग जो है जीके और करंट अफेयर के सवाल यहाँ पर कवर करते हैं, तो इजी रहेंगे आप लोगों के, आसान से सवाल यहाँ पे रहने वाले। इसके बाद देखिए पहला सवाल यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ जो कि पूछा जा रहा है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज़ बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस। तो मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, तो दोस्तों देखिए मेरठ में की गई, आप लोगों को ये याद रखना है। और ये 2022 का करंट अफेयर का ये सवाल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स इन 2023। तो दोस्तों खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं, तो 2023 का जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे तो कौन सा भारत का राज्य इसकी यहाँ पे मेज़बानी करेगा, तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है कर्नाटक रहेगा। तो कर्नाटक में खेलो इंडिया गेम्स 2023 होंगे। इसके बाद अगला सवाल है, मिशन जीवन रक्षा, तो दोस्तों मिशन जीवन रक्षा जो है ये किस संस्था से जुड़ा है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए रेलवे पुलिस फोर्स, तो आरपीएफ द्वारा ये मिशन जीवन रक्षा ये जुड़ा हुआ है, आप लोग इसको याद रखें रेलवे पुलिस फोर्स इसका आंसर रहेगा। इसके बाद पूछ लिया गया, द न्यू कोविड स्ट्रेन नेम्ड डेल्टा क्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड ओरिजिनली इन विच कंट्री। तो सबसे पहला डेल्टा क्रॉन का जो केस जो पाया गया था ये कहाँ पे पाया गया था, जो कि एक तरीके का कोविड का नया स्ट्रेन था। तो दोस्तों देखिए डेल्टा क्रॉन का पहला जो पेशेंट यहाँ पे जो पाया गया साइप्रस में यह पाया गया, और आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव टू सेट अप अ प्लास्टिक पार्क इन विच सिटी। तो यूनियन जो यहाँ पे जो सरकार है यूनियन गवर्नमेंट जो है, तो यहाँ पे अप्रूवल मिला है किस चीज़ के लिए, प्लास्टिक पार्क को सेटअप करने के लिए। तो प्लास्टिक पार्क जो सेट होगा वो कहाँ होगा, मैंगलुरु, तो मैंगलुरु इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, हु इज़ इंडियाज फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर जेट पायलट। तो पहली आप लोगों को महिला का नाम बताना है जिसने राफेल फाइटर जेट यहाँ पे उड़ाया, और यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह जो पायलट है इन्होंने राफेल विमान को ये उड़ाया, और इसको इन्होंने राफेल विमान की पहली यहाँ पे पायलट बनी, तो शिवांगी सिंह इसका आंसर रहेगा, आप लोग इसको याद रखें।
इसके बाद अगला सवाल है, पूछ लिया गया व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कवच टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड फॉर इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज द्वारा कवच टेक्नोलॉजी दोस्तों एक तरीके की ये कवच टेक्नोलॉजी बनाई गई, इसका मकसद मीन्स ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहेगा, इसका लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों एंटी कोलिजन मीन्स दो ट्रेन जब एक ही पटरी पे आमने सामने आ जाएगी तो एक तरीके का एक कवच, एक तरीके का अलार्म जो है इंजन में ये चालू हो जाएगा, जिस तरीके से मालूम चल जाएगा कि दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ रही हैं। तो एंटी कोलिजन मीन्स इसका यहाँ पे आंसर ये रहेगा, और कवच टेक्नोलॉजी के तहत इंडियन रेलवेज द्वारा यह पहल यहाँ पे की गई, और रेल मिनिस्टर ने खुद ही इसको चेक किया और एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनों को बुलाया गया और ये सक्सेसफुली कवर हुआ, काफ़ी न्यूज़ में भी ये देखा गया। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, द शेयर ऑफ विच फेमस कंपनी फेल 26% द बिगेस्ट सिंगल डे स्लाइड इन मार्केट वैल्यू फॉर US कंपनी। तो दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया गया कि शेयर मार्केट में कौन सी ऐसी फेमस कंपनी थी जिसमें एक ही दिन में 26% गिरावट देखने को मिली, और दोस्तों उस कंपनी का नाम क्या था, मेटा। तो मेटा आप लोगों को इसको नाम को याद रखना है, ये करंट अफेयर का सवाल है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन 2022। तो दोस्तों आपको वेन्यू बताना है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होगी और 2022 में। तो दोस्तों देखिए UAE इसका यहाँ पे आंसर रहेगा और यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया है विच बॉडी रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत की, इसको कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इसको रेगुलेट ये करती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है, पूछ लिया गया इंडियन नेशनल वुमेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी। तो दोस्तों इंडियन नेशनल जो वुमेंस डे जो हर साल मनाया जाता है, तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू पे, ये इनके नाम पे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल वुमेंस डे को हर साल भारत में मनाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखें, सरोजिनी नायडू इसका आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है, देख सकते हैं पूछ लेगा व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो आपको बताना है कि मेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य क्या है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में इस चीज़ को यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा, और इसको आप लोग जो है याद रखें। अगला सवाल है, पूछ लिया गया हिमा दास रिलेटेड टू स्पोर्ट। तो हिमा दास जो एथलीट हैं, तो ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये स्प्रिंटर हैं। तो आप लोग इनका नाम याद रखें हिमा दास, और इन्होंने भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी मेडल भी इन्होंने प्राप्त किए। ओलंपिक्स में भी इन्होंने यहाँ पे भाग लिया था और वहाँ पे भी ये जीती थी, और ये स्प्रिंटर हैं और ये धावक यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, द 2024 समर ओलंपिक्स इज शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन विच सिटी। तो 2024 के जो समर ओलंपिक्स होंगे ये कहाँ पे आयोजित कराए जाएंगे, तो ये पेरिस में होंगे, तो आप सभी लोग उसको याद रखें। इसके बाद व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका टाइटल क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए गोल है, और गोल आप लोगों को ये टाइटल आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद की ये ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद अगला सवाल है, हु हैज़ वन द विमल्डन 2022 वुमेन्स सिंगल फाइनल। तो 2022 की वुमेन सिंगल फाइनल्स विमल्डन का खिताब किसने जीता। तो देखिए एलिना रेबेंका जो है इसका यहाँ पे आंसर रहेगा, और इस नाम को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद कुछ डेज मैंने यहाँ पे कवर किए और कुछ CEO यहाँ पे कवर किए। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो विश्व जनसंख्या जो दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। इसके बाद कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल जो विजय दिवस है, तो 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर डे, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को ये मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों तो कुछ CEO यहाँ पे रहेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फ्लिपकार्ट के CEO यहाँ पे कौन है, तो कल्याण कृष्णमूर्ति यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट के CEO है। इसके बाद ट्विटर के CEO आप लोगों से पूछ लिए गए, तो दोस्तों ट्विटर के जो CEO हैं पराग अग्रवाल हैं, तो ये आप लोगों को नाम याद रखना है। इसके बाद अंत में गूगल के CEO भी आप लोगों को बताना है, तो गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचई हैं, और ये नाम आप लोगों को याद
रखना है। तो कुछ इस तरीके से बेसिक से सवाल आप लोगों के करंट अफेयर्स और आपके जीके के पोर्शन से आप लोगों के पूछे जाएंगे और आप लोग इन्हीं की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लें। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं हम लोग रीजनिंग वाले पार्ट की ओर। तो रीजनिंग के सवाल भी आप लोगों के कवर किए जाएंगे आपके परीक्षा में और कुछ सवाल इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी कर लिए। तो दोस्तों देखिए पहले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे एक तरीके की सीरीज़ आपको दी गई है। आपको बताना है कि अगला नंबर यहाँ पे क्या रहेगा। तो क्या नंबर आपको दिया गया है, 2, 6, 18, इसके बाद 54 दिया गया और इसके बाद दोस्तों हमें बताना है आगे क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा, कैसे आपको लॉजिक निकालना है कि लास्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, तो 2 × 3 क्या होता है, 6 से यहाँ पे 18 हो रहा है, तो 6 × 3 क्या होता है, 18। इसके बाद 18 से 54 यहाँ पे हो रहा है, तो 18 × 3 क्या होता है, 54। तो हमें दोस्तों कैसे आगे का यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो देखिए 54 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 3 में और जब 54 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 162 इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आएगा। 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15 और 16, ठीक है। तो 162 इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प ये रहेगा। तो देखिए सेम चीज़ का लॉजिक हम लोग को यहाँ पे मिला और सीरीज़ में मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा था और हमने लास्ट वाले का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे 3 से कर दिया, इजीली तरीके से आंसर हमको यहाँ पे मिल गया। तो कुछ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पे ज़रूर करें और अब बढ़ जाते हैं अपने एक और अगले सवाल की ओर। तो इसमें दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया गया विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को बताना है कि ये 4 अलग अलग वर्ड्स आपको दिए गए, 3 वर्ड इनमें से एक जैसे, एक वर्ड यहाँ पे सबसे अलग है, तो सबसे अलग वाला आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन दे दिया गया, ब्रांच, इसके बाद डर्ट, इसके बाद लीफ, इसके बाद रूट। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा वर्ड जो है सबसे अलग यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों देखिए सबसे अलग जो वर्ड है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डर्ट। बाकी के जितने भी यहाँ पे पार्ट हैं वो यहाँ पे ट्री से संबंधित हैं, पेड़ से संबंधित हैं। तो देखिए पेड़ में जड़ भी होती हैं, पेड़ में लीफ पत्तियाँ भी होती हैं और पेड़ में ब्रांच मीन्स शाखाएँ भी रहती हैं। तो ये तीनों जो शब्द हैं पेड़ से संबंधित हैं और जो सबसे अलग जो शब्द है वो रहेगा डर्ट। तो ये हमने इसका आंसर यहाँ पे बता दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। इसी के तरीके से एक और सवाल मैंने यहाँ पे कवर किया, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है, जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन है लेपर्ड, दूसरा ऑप्शन है कॉगर, तीसरा ऑप्शन है एलिफेंट, चौथा ऑप्शन है लायन। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए आप सभी को इसका आंसर बताना चाहता हूँ, कॉगर इसका यहाँ पे आंसर रहेगा और सॉरी इसका जो आंसर है एलिफेंट यहाँ पे ये रहने वाला है। लेपर्ड जो है आप लोगों को मालूम है लेपर्ड एक तरीके का कैट फैमिली से संबंधित है, बिल्ली के परिवार से यहाँ पे संबंधित यहाँ पे रहेगा। इसके बाद कॉगर जो है ये भी अमेरिका में एक वाइल्ड तरीके की कैट है और इसके बाद लॉयन तो आप लोग जानते ही हैं ये भी कैट फैमिली से संबंधित है। तो सबसे अलग यहाँ पे एलिफेंट था और एलिफेंट ही इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इस चीज़ का आप लोगों को याद रखना है, इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए आप लोगों से कोरिलेशन का सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया, यदि 8 का रिलेशन 24 से है तो आपको बताना है 32 का रिलेशन किससे रहा है। तो दोस्तों जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए 8 का संबंध 24 से किस तरीके से है, तो देखिए 8 एज इट इज़ ऐसी का ऐसे यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 और 4, तो 2 × यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे 8। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें किस तरीके से निकालना है 32 का, तो 32 का हमें यहाँ पे निकालना है, तो 32 का कैसे आया होगा, 3 × 2, तो यहाँ पे क्या 6 होगा और यही हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो कितना आसान सा यहाँ पे लॉजिक लगा, 4 × 2 यहाँ पे 8 हो गया और 3 × 2 यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह
6 यहाँ पे हो गया। तो बहुत ही इजी था ये सवाल, और इस तरीके के क्वेश्चन की आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लें। एक और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पे पूछ लिया गया है, 4 का संबंध 256 से है तो 5 का संबंध किससे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखिए 4 का संबंध 256 कैसे रहेगा, तो आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे कैसे निकालना है। जब आप लोग देखिए 4 का यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 256। तो ऐसे हमको यहाँ पे देखिए 5 का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 5 को यहाँ पे अगर आप लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 5, तो 4 टाइम्स अगर 5 का मल्टीप्लाई यदि आप लोग करते हैं तो दोस्तों इसका जो आंसर है 625 यहाँ पे निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प ये रहने वाला है, 625 इसका राइट आंसर ये रहेगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके का लॉजिक यहाँ पे आपको फॉलो करना है, और सवाल को टाइप करने में थोड़ी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ गए, तो इसके आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वैल्यूज़ का और आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। अब बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए अगला जो सवाल है, BCBDED FGF HIH, हमें बताना है इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए इसी में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे कि देखिए बी से यहाँ पे क्या हो रहा है, डी, तो एक छूट रहा है सी, बी सी डी, फिर देखिए आखिरी वाले में डी ई एफ, तो यहाँ पे ई छूट रहा है, एक का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, और ऐसे यहाँ पे क्या है एफ जी एच, तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एच के बाद क्या होगा, एक छूटेगा आई छूट जाएगा और यहाँ पे जे आ जाएगा। तो जे वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है, बाकी के ये दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। दूसरे वाले का भी इसी तरीके से निकालना है। देखिए सी से यहाँ पे ई हो रहा है, तो मीन्स डी यहाँ पे छूट रहा है, एक का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ई से यहाँ पे क्या हो रहा है जी हो रहा है, मीन्स एफ छूट रहा है, इसके बाद जी से आई हो रहा है तो एच यहाँ पे छूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए आई के बाद क्या छूटेगा, जे छूटेगा और आई जे, फिर यहाँ पे के आएगा, तो जे के करके हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। और देखिए जे के यहाँ पे आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पे ही श्योर हो गए, कन्फर्म हो गए। और यहाँ पे जब आप लोग इसका निकालेंगे और आपको इसका भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा, तो एच का यहाँ पे निकालेंगे, एच आई छूटेगा फिर यहाँ पे जे आएगा, तो जे के जे इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा। सिर्फ एक एक का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, एक लेटर यहाँ पे छूट रहा है, आगे सीरीज़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो इजीली तरीके से आपको इनके आंसर मिलते जाएंगे, आप लोग इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद दोस्तों देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया कि मैथमेटिक्स का संबंध लॉजिक से है तो साइंस का संबंध किससे रहेगा। तो दोस्तों देखिए मैथमेटिक्स में लॉजिक रहता है, या फिर हम लोग कहें लॉजिक के थ्रू जो है मैथ्स यहाँ पे चलती है, तो साइंस का आप लोगों को बताना है साइंस का क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए साइंस का जो है फैक्ट रहते हैं, तो साइंस में जो है फैक्ट के थ्रू साइंस चलती है, जैसे कि मैथमेटिक्स लॉजिक्स पे चलती है तो साइंस फैक्ट पे चलती है। तो फैक्ट दोस्तों इसका आंसर रहेगा, फैक्ट को हिंदी में तर्क भी कहते हैं। तो कुछ इसी तरीके के सवाल आप लोग जो है वहाँ पर प्रैक्टिस करें। अब दोस्तों देखिए एक और यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल मैंने यहाँ पे इसमें कवर किया है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को बोला गया कि पर्पस को इस तरीके से कोड किया गया, हमको वाटर का बताना है, तो पर्पस का कोड किस तरीके से किया गया, PURPOSE। पर्पस को देखिए किस तरीके से लिखा गया, UPUPPROSE। तो हमें यहाँ पे देखिए लॉजिक निकालना है वाटर के लिए, देखिए वाटर का कैसे निकालेंगे, WATER। तो देखिए कैसे आप लोगों को इसका लॉजिक फाइंड आउट करना है, आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे ये यू यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये पी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसके बाद ये पी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये आर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसी तरीके से एस भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ओ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और आखिरी का जो है एज इट इज़ ऐसे का ऐसे यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग इसी का वाटर
किस तरीके से इसी लॉजिक से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो आर का आर हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ ऐसी कैसे यहाँ पे लिख देते हैं, और ए को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ, और डब्ल्यू को शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ, इसी तरीके से ई को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और टी को हम लोग इस तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या आ गया, ए डब्ल्यू ई टी आर। तो देखिए ए डब्ल्यू ई टी आर, तो यही इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प ये रहेगा। लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे सेम यहाँ पे इस तरीके से फॉलो किया, और इसी तरीके से इसका भी आंसर यहाँ पे आ गया। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों एक और अगले सवाल की ओर। इस सवाल में थोड़ा दिमाग आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, और कुछ चीज़ों का ध्यान भी आप लोगों को इसमें रखना है, कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे आना भी चाहिए। तो जैसे कि देखिए आप लोगों को लिखा है D बराबर 4 दिया है, और कवर बराबर 63 आप लोगों को दिया है। आपको बताना है बेसिस का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे इसमें आने चाहिए, जैसे कि देखिए A बराबर होता है 1, फिर होता है B बराबर होता है 2, C बराबर होता है यहाँ पे 3, D बराबर होता है 4, और E बराबर होता है 5। तो ऐसे करके दोस्तों ये आगे तक चलता जाता है, Z तक जाता है, और ये नंबर जो है आप लोगों को जब कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो आप लोगों को साइड से आपकी जो रफ शीट है वो आप लोग जो है इसको लिख लें, या फिर आपको याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो आप लोग जो है Z तक इनके नंबरिंग आप लोग लिख लें, फिर आपको जो है इसमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखिए D बराबर 4 हमें दिया है, तो इसमें हमें कुछ भी यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है, और कवर बराबर 63 दिया है। तो देखिए C की जो वैल्यू होती है, तो C की वैल्यू कितनी होती है, C की वैल्यू होती है 3, फिर इसके बाद O, तो O की वैल्यू दोस्तों होती है 15, ठीक है, फिर V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू होती है 22, ये मुझे याद है, और इसके बाद E की वैल्यू ये भी मुझे याद है, तो E की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 5 होती है, और R की वैल्यू दोस्तों होती है 18। जब दोस्तों आप सभी लोग इन सबको यहाँ पे प्लस करेंगे तो 63 निकल के यहाँ पे आएगा। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि सिर्फ यहाँ पे प्लस ही करना है, और जो वैल्यू है वो आप लोग ने यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे कर ली और सबको यहाँ पे ऐड कर लिया, तो 63 यहाँ पे आ गया। अब हमको यहाँ पे बेसिस का निकालना है, तो बेसिस का कैसे निकालेंगे, बी ए एस आई एस। तो दोस्तों देखिए बी कौन से नंबर पे आता है, बी आता है दूसरे नंबर पे। ए कौन से नंबर पे आता है, सबसे पहले नंबर पे ए आता है, तो 1 नंबर पे आएगा। एस दोस्तों 19 नंबर पे आता है, जब कभी भी आप लोग काउंट करेंगे तो एस जो है 19 पे आएगा। आई दोस्तों देखिए 9 नंबर पे आता है, और एस यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया 19 नंबर पे आता है। जब आप सभी लोग जो है सबको प्लस कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, और इसका जो आंसर दोस्तों 50 आपको ये मिलेगा। तो 50 इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। तो आप लोगों को सिंपल प्लस करना है, वैल्यूज़ आप लोगों को याद रहने चाहिए ए टू जेड, या फिर आप लोग जो है रफ शीट पे आप लोग लिख लेना जब कभी भी इस तरीके का सवाल आप लोगों को पूछा जाए। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके के सवाल की आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 10 था, इससे पहले 9 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। एमपी एनएचएम स्टाफनर्स, अगर आप लोग 3 अगस्त को एग्ज़ाम के लिए शामिल होंगे तो आप सब लोग ये पार्ट्स आप लोग वॉच करके ज़रूर जाना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी 9 पार्ट्स की आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, एक एक करके आप लोग अभी से सारे पार्ट्स आप लोग यहाँ पे वॉच कर लें, आप लोग रिवाइज उनको जरूर करें, काफ़ी सवाल जो है आपको इन्हीं पार्ट्स में से ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स को एमपी स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर के अगर आप लोगों को पेपर चाहिए तो आप सभी को बताना चाहता हूँ 11 पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ फाइल मेरे पास यहाँ पे रहेगी 11 पेपर्स की, यदि आपको चाहिए तो 150 रुपीज़ इसका अमाउंट यहाँ पे ये रहने वाला है, 150 रुपये का। जैसे आप लोग पेमेंट कर देंगे आपको इमीडिएटली पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हमारा चैनल का व्हाट्सअप नंबर है 7415543659। चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। सबसे पहले बताएं ये अपडेट आपको कैसा लगा, लाइक जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लोग जो है थैंक यू का मैसेज जरूर टाइप कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स लोगों में इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग शेयर जरूर करें।
और दोस्तों आगे का पार्ट आप लोग चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं तो ये जानकारी भी आप लोग कमेंट करके हमें बता दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। MP NHM स्टाफ नर्स कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।